किसान भाइयों नमस्कार। ग्राम नीत के चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह मौसम गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी का है। यूं तो आपने तय कर लिया होगा इस रबी में आप गेहूं की कौन सी किस्म बोएंगे, लेकिन भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज कुमार ने सुझाव दिया है कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की वजह से किसान भाई यदि अपने खेतों में करण वंदना, करण नरेंद्र यानी DBW-222 और पूसा यशस्वी HD-366, फिर से सुनिए, करण वंदना, करण नरेंद्र और पूसा यशस्वी की किस्में बोते हैं तो इनसे प्रति कुंटल कम से कम 80 से 82 कुंटल का उत्पादन होता है। यह तीनों अगेती प्रजातियां हैं और इनमें रोगों का बहुत कम प्रभाव देखा गया है। करण वंदना या DW-187 गेहूं की नई किस्म है। इसे करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इस प्रजाति में पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी गेहूं की बीमारियां नहीं लगती। करण वंदना को उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्रों में बोने पर अच्छी पैदावार होती है। करण वंदना में बुआई के 77 दिनों बाद बालियां निकल आती हैं। ये 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 5 से 6 सिंचाई के बाद प्रति हेक्टेयर 75 से 80 कुंतल तक इसमें पैदावार होती है। करण वंदना की रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसमें प्रोटीन तत्व 12% तक होता है। करण नरेंद्र या DBW-222 को भी करनाल ने ही विकसित किया है। ये अगेती प्रजाति है। इसको 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक बोया जा सकता है। करण नरेंद्र बहुत कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। इसे मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और पश्चिमी यूपी के किसानों को बोने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने दी है। इस प्रजाति को कुल 4 सिंचाई की ही जरूरत पड़ती है। ये किस्म अमूमन 143 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। करण नरेंद्र की रोटी खाने में थोड़ी मीठी होती है। प्रति हेक्टेयर इससे 65 से 82 कुंतल तक की पैदावार ली जा सकती है। पूसा यशस्वी HD-3226 गेहूं की प्रजाति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग, उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग को छोड़कर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बोने के लिए अनुकूल है। इस प्रजाति में करनाल बंट, फफूंदी और गलन रोग नहीं लगता। इसकी बुआई 5 नवंबर से 25 नवंबर तक उचित मानी गई है। इन तीनों प्रजातियों में बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 100 किलोग्राम के लगभग बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी प्रोटीन 12% से अधिक होता है। समय पर बुआई और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को पर्याप्त मात्रा में डालकर पूसा यशस्वी किस्म से प्रति हेक्टेयर 60 से 80 कुंतल तक उपज ली जा सकती है। इन तीनों किस्मों का बीज गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से लिया जा सकता है। इसके अलावा इसी साल गेहूं की एक नई किस्म HUW-838 को विकासशील केंद्र बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने विकसित किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और उदयपुर डिवीजनों को छोड़कर और पश्चिमी यूपी, झांसी डिवीजन को छोड़कर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों, जम्मू और कठुआडी, हिमाचल प्रदेश, ऊना जिला और पावटा घाटी और उत्तरांचल तराई क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में इसकी बुआई की जा सकती है। इसे बोने का सही समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। पौधों की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। इसका गेहूं थोड़ा पतला होता है। इस किस्म की गेहूं को बोने पर सिर्फ 2 ही सिंचाई की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई 40 से 45 दिन में और दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन में कर सकते हैं। HUW-838 से प्रति हेक्टेयर 60 कुंतल तक का उत्पादन
होता है। ये कम से कम उत्पादन है, इसके अधिक जितनी अच्छी खेती होगी और ज़्यादा हो सकता है। गेहूं की HUW 838 किस्म की अधिक जानकारी के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर वी के मिश्रा के मोबाइल नंबर 9415254476 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रामनीत का मानना है कि उन्नतशील बीजों का ही अपने खेतों में प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधिक से अधिक किसानों तक इसे फॉरवर्ड करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।